अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार मस्जिद के जरिए मुसलमान को तकलीफ देने की नाकाम कोशिश की गई। कर्नाटका स्टेट डिस्ट्रिक्ट बिदर इलाके में खिले की एक मस्जिद जिसका नाम सोला मस्जिद है, सोला सुत्तूर के अंदर रात में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और सारे जगह लाइट से सजाया गया था, जिसमें मस्जिद की बेहरमती की जा रही थी। जैसी ये बात की तला वहाँ के लोगों को मिली तो वहाँ के नौजवान फौरन वहाँ पर पहुँचे और उलेमा के साथ रात में बिदर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के घर पर जाकर वाकये की तफसीलात बताई, जिसके बाद पुलिस ने खिले में पहुंचकर फिल्म की शूटिंग करने वाले सारे लोगों को वहां से हटा दिया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि मस्जिद में कई सालों से नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन फिल्म की शूटिंग की इजाज़त कैसे दी गई और कौन लोग है ये जो इस तरह से मस्जिद के अंदर शूटिंग करने की इजाज़त दी? ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाद अज़ां इस मस्जिद के कमेटी के तमाम लोगों ने मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस की तरफ से और पुलिस की वक्त पर पहुंचकर जो काम की है उसकी वजह से यह मसला आसानी से हल हुआ है और पुलिस ने तौखु दिलाया कि यहां पर आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। लेकिन ऐसे इंतखाबात से पहले इस तरह की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदानों को चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और चर्च से दूर रहें और ऐसे जो मिल जुल के रहने वाले लोग हैं उनमें ऐसे दरारें ना डालें और आम अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की साजिश का शिकार ना बने। हम सारे एक थे और एक रहेंगे और ऐसे गंदी सियासत करने वाले लोगों को हमें बताने की जरूरत है कि हम एक है और एक ही रहेंगे। बहरहाल देखना है कि इस मामले में कहां तक सियासत होती है, क्या फिर नमाज की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस ने सारी जिम्मेदारी ले चुकी है। मोहम्मद फयाज अहमद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। तमाम मुसलमानों ने बीदर के लिए अजियत और तकलीफ़ का मामला है, लेकिन हम पुलिस का भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के साथ साथ इनके इस बरवक्त खिदमत का हम तहदिल से एहसान मानते हुए यहाँ जो शरारत की गई थी और जो ज़ियादती की गई थी और नंगे मूर्तियों को मस्जिद में रख कर मस्जिद की बेहरमती करते हुए यहाँ ये जो कैफियत हुई है, पुलिस ने बाकायदा उसका सफाया किया है और उसको वहाँ से हटाया है और उसी के साथ साथ यहाँ की शरारत को ख़त्म किया है। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम मुसलमानों ने बीदर से यहाँ की तमाम इत्मीनानी कैफियत को तमाम जिम्मेदारान शहर का मुआयने के बाद इस बात की गवाही दी जा रही है कि अब यहाँ पर कोई चीज़ हमारे तकलीफ की मौजूद नहीं है और ना ही कोई ज़ियादती की बात यहाँ मौजूद है, बल्कि पुलिस हमारे साथ बाकायदा इंतज़ाम के साथ शरई चीज़ों को और मूर्तियों को यहाँ से बाकायदा हटाकर शूटिंग करने वालों को यहाँ से बाहर कर दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ एफ आर भी हुआ है और तमाम शहरियान, ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और इसी तरह से मुबशिर साहब सिंधे, अहमद सेठ साहब और आमिर साहब, आमिर अब्दुल अजहर रिहान और अजहर रिहान और इसी तरह से मुख्तलिफ जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद, इमाम काउंसिल और इसी तरह से सफा बैतुल माल और मुअज्जज उलमा और दानिशवरान कौम के दरमियान बाकायदा मस्जिद का मुशाहिदा किया गया, मस्जिद का जायज़ा लिया गया और हर तरह से तहकीक करने के बाद अब शहरियान बीदर को ये बात की आवाज़ दी जाती है कि अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे और सुकून चैन के साथ भाईचारगी के साथ जीने और जागने को अपनी ज़िंदगी का बसेरा बनाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शरारत हुई है, ये शरारत लापरवाही या बग़ैर किसी इसके इजाज़त के ये जो काम अमल में आया है, हुकूमत इसकी बाकायदा निगरानी करे और ये जिम्मेदारी का पूरा पासो लिहाज करे और पुलिस टाउन में बाकायदा लेटर के ज़रिए से जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है या प्रोग्राम को अपनाया जा रहा है उसका बाकायदा इलाके के एतबार से इजाज़त नामा ज़रूरी है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से हमारी दिल के गहराइयों से दरख्वास्त है कि ये शरारत आइंदा कभी ना हो,
اور یہ زیادتی آئندہ کبھی نہ ہو جو مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائے اور عبادت گاہ کی بے حرمتی ہو، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا اور یہ زیادتی کبھی قابل قبول نہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، یہ جو آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ کبھی ایسی شرارت نہ ہو، اس پر آپ کی کڑی نگرانی ہو اور ذمہ داری ہو، یہی درخواست کرتے ہوئے اور لاپرواہی بھی نہ کریں ان تمام چیزوں کے اعتبار سے جو مسجد میں گلال اور اسی طرح سے یہ جو شرارت ہوئی ہے اس کی مکمل صفائی کر لے، اور لاپرواہی کرنے والوں کے ساتھ کیس پنشمنٹ ہونا چاہیے، پنشمنٹ وغیرہ ہونی چاہیے، یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کا ایک مایاناز نام گزشتہ 10 سالوں سے عوام کی خدمت کے لیے مشہور سپریم ایئر ٹریول سروسز، لندن، امریکہ، ہو کے گلف، ویزا، ٹکٹ اور عمرے کی بہترین سہولیات، 5-star ہو یا اکانومی، ایک مرتبہ خدمت کا موقع دے سپریم ایئر ٹریول سروسز۔ ربط پیدا کریں 888-555-6786، عقب حجاؤس، نام پلی۔